अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है ज़बर ज़ेर पेश की पहचान। ठीक है, हम देखेंगे ज़बर की क्या पहचान है, ज़ेर की क्या है और पेश की क्या है। ठीक है, सबसे पहले है ज़बर। ज़बर को देखते हैं कि ज़बर क्या होती है। ज़बर अलिफ ज़बर आ जो हर्फ के ऊपर होती है उसे ज़बर कहते हैं। ठीक है, जैसे अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, पा ज़बर पा, ता ज़बर ता, टा ज़बर टा, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, चे ज़बर चा, हे ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, डाल ज़बर डा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर ज़ा, रे ज़बर रा, ज़े ज़बर ज़ा, से ज़बर सा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वाद ज़बर सा, ज़ुआद ज़बर ज़ा, तोए ज़बर ता, ज़ोए ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, आइन ग़ाइन ज़बर गा, फ़ा ज़बर फ़ा, काफ ज़बर का, कीफ ज़बर का, गाफ ज़बर गा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाओ ज़बर वा, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर हा, या ज़बर या ज़बर बढ़िया ज़बर या। ठीक है, अब क्योंकि ये ज़बर है तो इसकी साउंड, इसकी आवाज़ भी जो है ना आ में निकलेगी, ज़बर में ऊंची आवाज़ निकलेगी। ठीक है, जैसे कि अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा। ठीक है, इसकी आवाज़ भी इसी तरह से निकलेगी। तो जो हरूफ के ऊपर जो होती है वो है ज़बर। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं ज़ेर पे। ज़ेर क्या होती है? लफ्ज़ों के नीचे, हरूफ के नीचे, जो हरूफ के नीचे होती है उसे कहते हैं ज़ेर, और उसकी आवाज़ भी नीची होती है, नीचे निकलती है। ठीक है, जैसे कि अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, पा ज़ेर पी, ता ज़ेर ती, टा ज़ेर टी, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, चे ज़ेर ची, हे ज़ेर ही, खे ज़ेर ही, दाल ज़ेर दी, डाल ज़ेर डी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रे ज़ेर री, रे ज़ेर ज़ी, ज़े ज़ेर रे ज़ेर री, ज़े ज़ेर ज़ी, से ज़ेर सी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, स्वाद ज़ेर सी, ज़ुआद ज़ेर ज़ी, तोए ज़ेर ज़ी ती, ज़ोए ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, ग़ाइन ज़ेर ग़ी, फ़े ज़ेर फ़ी, काफ ज़ेर की, कीफ ज़ेर की, गाफ ज़ेर गी, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाओ ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ही, या ज़ेर ही, बढ़िए ज़ेर ही। ठीक है, वो ज़बर थी, उसकी आवाज़ आ में निकल रही थी, ऊंची निकल रही थी। यह है ज़ेर, ये हरूफ के नीचे है तो इसकी आवाज़ भी पस्त, धीमी, छोटी, नीचे की तरफ होगी। ठीक है, ज़बर, ये ज़बर था, ये ज़ेर है, ये अब हम पेश पढ़ेंगे। पेश जो होती है वो हरूफ के ऊपर होती है। ठीक है, अब मैं इसकी रीडिंग करती हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी साउंड कैसे निकलती है। ठीक है, अलिफ पेश ऊ, बा पेश बू, पा पेश पू, ता पेश तू, टा पेश तू, सा पेश तू, जीम पेश तू, चे पेश चू, हे पेश हू, खे पेश हू, दाल पेश दू, डाल पेश डू, ज़ाल पेश ज़ू, रा पेश रू, रे पेश रू, ज़े पेश ज़ू, से पेश सू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, स्वाद पेश सू, ज़ुआद पेश ज़ू, तोए पेश तू, ज़ोए पेश ज़ू, आइन पेश ऊ, ग़ाइन पेश हू, फ़े पेश फू, काफ पेश कू, कीफ पेश कू, गाफ पेश गू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाओ पेश वू, हा पेश हू, हा पेश हू, हमज़ा पेश हू, या पेश हू, बढ़िए पेश हू। ठीक है, हमने पढ़ा ज़बर को, ज़ेर को, पेश को, फिर हमने पढ़ के देखा कि इसकी आवाज़, इसकी साउंड कैसी निकलती है। तो ज़बर की थी आ, ठीक है, आ ऊपर की तरफ, ज़ेर हरूफ के नीचे है तो इसकी आवाज़ नीचे की तरफ होगी। ठीक है, पेश पू, ठीक है, पेश हरूफ के ऊपर होती है। तो हमें पहचान हुई ज़बर और ज़ेर और पेश की, के इनकी पहचान क्या है, जो हरूफ के ऊपर है वो ज़बर है, जो हरूफ के नीचे है वो ज़ेर है, जो हरूफ के ऊपर है
वो है पेश, ठीक है। इसी तरह से अब आप घर में होमवर्क करेंगे, ठीक है। आपने जितने मैंने हरूफ बताए, ठीक है, अलिफ से लेके बढ़िए तक हमने पढ़ा, ज़ेर में भी अलिफ से बढ़िए तक और पेश में भी अलिफ से बढ़िए तक। तो अब हमने आपने जो है होमवर्क में ज़बर के कोई से पांच हरूफ लिखने हैं, ज़ेर के भी कोई से पांच हरूफ लिखने हैं, पेश के भी कोई से पांच हरूफ घर में आपने लिखने हैं, ठीक है। ये आपने होमवर्क करना है, ठीक है। ज़बर के पांच हरूफ, ज़ेर के पांच हरूफ, पेश के पांच हरूफ। आपको पहचान हो चुकी है कि ज़बर की क्या पहचान है, ज़ेर की क्या है और पेश की क्या है, ठीक है। ठीक है, ये आपने इसे होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।